अरे बेटा चिंटू, देखना तेरी दीदी क्या कर रही है, जरा देख यार। अरे मम्मी वो रील्स बना रही है, जरा जाके देखो कैसे कमर मटका रही है, ऐसे ऐसे कर रही है। क्या रील्स बना रही है? ओ भोसड़ी चौधरी अभी तक रील्स ही बना रही है? हाँ उसको कुछ शर्म नहीं आती क्या, लाज नहीं आती कि चलो यार बर्तन मान ले, कुछ मम्मी की मदद कर दे, खाना बना दे। वो चौधरी उछिनाल, अभी जाती हूँ ना उसके पास में, रुक जा जाके देखो जरा, उसको डांटो। अरे मम्मी आप कब आए? हाँ हाँ बना ले आराम से रील्स, बोबे हिला दे, बोबे हिला हिला के सबको बता। मम्मी मुझे फेमस होना है, सेलिब्रिटी बनना है, तो जरा बोबे तो हिलाना पड़ेगा ना मम्मी, वैसे भी ये बड़े बड़े जंगी तो खा रहे हैं ना। तो चुपचाप से मेरे साथ काम करने चल, वरना मैं तेरी माँ छोड़ दूंगी। हाँ मम्मी लेकिन मेरी माँ तो आप ही हो ना। तो मैं खुद छूट जाऊंगी, तेरा ही भी तो यही कहना है ना, मैं खुद छूट जाऊँ, वैसे भी तेरे बाप में दम तो रहा नहीं। हाँ चौधरी चल काम कर ले भोसड़ी। अरे मम्मी आपने मुझे पैदा किया तो कोई एहसान नहीं किया है ना मुझ पर? हाँ बेटा मैंने तुझ पर कोई एहसान थोड़ी ना किया है, एक काम करना तू भी तेरे भोसड़े में से एक निकाल के देख लेना बच्चा, फिर तेरे को पता चल जाएगा। अरे एक टाइम पे मेरा भी ऐसा फिगर हुआ करता था, मेरे फिगर की माँ चूस गई, सब चूस गए तुम, और अभी बोल रहे हो मेरा कोई हक नहीं है। अरे सॉरी मॉम, आप तो इमोशनल हो गई, आज से मैं कभी रील्स नहीं बनाऊंगी, माँ चूदे ऐसे फिगर की मॉम, माँ चूदे मॉम, माँ चूदे मॉम मॉम। मैं पानी पानी हो गई।